हेलो गाइस, मैं अनुराग जैन नॉलेज प्रोवाइडर चैनल से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो है हम लोग 12th के 50 मार्क्स वाले इंग्लिश में पहला चैप्टर जो है आपका ग्रामर पोर्शन में भर आता है, ठीक है। इससे 2-3 मार्क्स के क्वेश्चन तो हर बार रहते ही हैं, तो इसके बारे में इससे रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं उसको हम लोग आज जो है डिटेल में देखने वाले हैं। इसके बाद जो दोस्तों पहले आप लोग ग्रामर देख लीजिए, और कल जो है मैं वैसे 10 ट्रांसलेशन लाने वाला हूँ जिससे जो एग्ज़ाम में जो है आपके 12th के बोर्ड एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो पहले आज भर देखते हैं, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, माई फ्रेंड्स डैश बिन आस्किंग फॉर द पार्टी ऑफ फोटोग्राफ्स। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? हैव, ठीक है। यहाँ पे जो है आपका एक्जिलरी वर्ब पूछ रहा है, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल मॉडल एक्जिलरी वर्ब और एक्जिलरी वर्ब्स, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर दूसरा देखिए, दूसरा है डैश यू मिल्क एवरी डे। तो क्या, डू यू मिल्क एवरी डे, ठीक है। ये जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, तो यहाँ पर डू लग जाएगा, डू डच का प्रयोग होगा क्योंकि यू सेकेंड पर्सन है, तो यहाँ पे डू का यूज होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका व्हाट डज यू डन, ठीक है। तो क्या यहाँ पे आंसर हो जाएगा, व्हाट यू हैव डन, ठीक है। तो नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए आपका, नेक्स्ट है द बॉयज एज वेल एज देयर मदर डज कमिंग, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो है आर लग जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द कॉस्ट ऑफ लिविंग डज इंक्रीज अलॉट। तो यहाँ पे जो है आपका हैज जो है अलॉट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका, द पेस्ट्री शॉप डैश वेरी पॉपुलर एमंग द यंगस्टर्स। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, आर। नेक्स्ट देखिए आपका, नेक्स्ट है लास्ट ईयर देयर डैश बीन अ रेस्टोरेंट हियर। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, यूज टू, ठीक है। लास्ट ईयर देयर यूज टू बी अ रेस्टोरेंट हियर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका, ए ड्राइव डैश फॉलो द रूल्स ऑफ द रोड। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, मस्ट, ठीक है। ए ड्राइवर मस्ट फॉलो द रूल्स ऑफ द रोड। नेक्स्ट देखिए आपका, नेक्स्ट है यू डैश पे योर टैक्स। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाए, ऑट टू, ठीक है। आपको जो है अपना टैक्स जो है पे करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्या हो जाएगा, ऑट टू। नेक्स्ट देखिए आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी डैश विन वी वेरी ट्राइड आफ्टर अ लॉन्ग जर्नी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आफ्टर दिस लॉन्ग जर्नी, तो क्या हो जाएगा, विल। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका, राजेश डैश हिज मदर टंग वेरी फ्लुएंटली, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, राजेश जो है स्पीक्स, ठीक है, क्योंकि यहाँ राजेश थर्ड पर्सन फर्स्ट सिंगुलर नंबर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्पीक्स, B5 लग जाएगा। तो स्पीक्स, राजेश स्पीक्स हिज मदर टंग वेरी फ्लुएंटली। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चूंकि चैनल नया है तो आप लोगों के शेयर की आवश्यकता है। तो चलिए शुरू करते हैं, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देखिए, और लाइक दोस्तों ज़रूर कर दो क्योंकि लाइक ही हमारे लिए मोटिवेशन होती है। द अर्थ डैश अराउंड द सन, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, रिवॉल्व, ठीक है, जो है अर्थ सन के चारों ओर घूमती है। नेक्स्ट देखिए आपका, हिज टू सन्स स्टिल डैश स्टिल वेरी यंग। तो क्या हो जाएगा, आर, टू सन्स है तो यहाँ पे आर। नेक्स्ट देखिए आपका, मिस्टर सुधाज एंड मिस्टर श्रेस्त्रा हाउस डैश इन द सेम बिल्डिंग। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका आंसर, आर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका, राजेश एंड रोहनस फादर डैश बिजनेसमैन। तो यहाँ क्या हो जाएगा, राजेश एंड रोशन है ना, तो दो हो जाएगा, तो यहाँ पे आर लग जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, एक कैरेक्टर प्लान अलॉन्ग विथ इट्स न्यू क्रेव एंड पैसेंजर्स डैश क्रैशेस वाइल अ लैंडिंग। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, हैज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द सिंगर अलॉन्ग विथ हर म्यूजिक डायरेक्टर एंड अदर म्यूजिशियन डैश गोइंग टू स्विट्जरलैंड फॉर अ शूटिंग। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, इज। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्यों इज होगा, क्योंकि यहाँ पे जो है एक टीम लग रहा है, ठीक है। टीम से जब आ जाए कोई भी चीज़ तो यहाँ पे इज लग जाएगा, क्योंकि यहाँ आगे द लगा हुआ है, अगर द नहीं लगा होता तो यहाँ पे आर लगता। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, मोनालिसा डैश पेंटेड बाय लिनियार्डो द विनीसी। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर, वॉज, ठीक है, किए थे। नेक्स्ट देखिए, यू डैश नॉट टू टॉक वाइल द टीचर इज टीचिंग। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, आउट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यू डैश नॉट यूज अदर्स टॉवेल एंड टूथब्रश।
ठीक है। तो टूथब्रश क्या हो जाएगा आपका सही आंसर मस्ट, ठीक है, कि आपको जो है दूसरे का टूथब्रश कभी यूज़ नहीं करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखिए, ब्यूटी एंड ब्रेन टेस्ट नॉट ऑफन टुगेदर ऑफन गो टुगेदर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका सही आंसर डू। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है और आज का जो है लास्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। तो लास्ट का है केटल कैट एंड मिक्की माउस, ठीक है, डैश नॉट लाइव इन द सेम हाउस, लिव इन द सेम हाउस, तो क्या हो जाएगा आपका सही आंसर डिड, ठीक है, नेवर लिव इन द सेम हाउस, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, और जैसा कि वादा है 10 जनवरी तक सारे ऑब्जेक्टिव्स हम लोग क्लियर कर लेंगे, उसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव की तरफ मूव करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ, थैंक यू।